उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर साल नवंबर के महीने में यातायात माह का आयोजन किया जाता है। इस बार भी जनपद संभल में यातायात माह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी अविनाश किशन सिंह और पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने यातायात माह को लेकर रैली को हरी झंडी दिखाकर डीआर रिसोर्ट से रवाना किया। वहीं यातायात माह के तहत एक महीने तक लगातार जनता के बीच जनता को बताया जाएगा कि आप लोग अगर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें, वहीं अगर कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। इसी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस दौरान इस कार्यक्रम में पुलिस क्षेत्र अधिकारी चंदौसी, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जयसवाल भी मौजूद रहे। वहीं शहर में लगने वाले जाम की निगरानी ड्रोन के जरिए रखी जाएगी, जिससे जनता को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वर्ष भी एक माह का यातायात माह जो मनाते रहे हैं हम लोग, तो उसका शुभारंभ आज हम लोगों ने जनपद संभल में भी बड़े उमंग उत्साह के साथ आज किया है। और इसमें बड़ी मात्रा में आपने देखा कि लोगों की भी भागीदारी रही। हमारे सभी पुलिस अधीक्षक जी बैठे हैं और सभी इसके साथ में जो ARTO, हमारे SDM CO, सभी संबंधित विभाग के लोग इसमें शामिल हुए हैं। उन लोगों का यातायात माह मनाए जाने का जो शासन के निर्देश हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक बनाएं, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनका संवेदीकरण किया जाए, जिससे कि जो सड़क दुर्घटनाएं जो यातायात के नियमों के पालन न करने के कारण होती रही हैं, उससे लोगों को बचाया जा सके और यातायात के नियमों की जानकारी जन सामान्य तक हम लोग पहुँचा सके। धन्यवाद। नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाने का आज प्रारंभ किया गया है। आज से लेकर के पूरे इस महीने सड़क सुरक्षा और उसके लिए जागरूकता अभियान के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिले में अभी एक जागरूकता रैली फ्लैग ऑफ की जाएगी और इसी क्रम में तमाम वाद विवाद प्रतियोगिता विद्यालयों में जाकर के कार्यक्रम, सड़कों के कार्यक्रम और सभी को अवेयर करने का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। सभी से अपेक्षा और जन सहभागिता को सुनिश्चित कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम सभी से अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग शामिल हों, बढ़ चढ़ के भागीदारी करें और अपना जीवन अमूल्य समझें, उसको बचाने में हमारा सहयोग करें।